अरे ये कुत्ते थोड़ी है, ये कुत्ते नहीं है, ये शेर है। बेबी अगर इनके बीच में कैंडी का छोड़ दूं तो बच्चे अंदर पहुंच चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम। आ जाओ। तो जी हम लोग आ गए रूम में और सबसे पहले तीनों का खाना पटना शुरू हो गया। हालत खराब है तीनों की, भूख के मारे लंबा ट्रैवलिंग हो गया। दे आर टायर्ड। कोको को समझ में नहीं आ रहा, टेबल के अंदर घुस गया वो। चेरी को तो भाई साहब बहुत ही भूख लग रही है, रुकी नहीं रही है। चेरी को तो कहीं कुछ समझ में आता ही नहीं ना, इनको फिर भी लग रहा है नई जगह कैसे खाएं क्या है। वो नई जगह घूम रहे हैं और चेरी नई जगह पे आके पहले खाना खा रही है। शी इज लाइक मी ओनली। चामा कान ले, चामा बच्चा आ जा। कोको, कोको ने ना तक पानी पिया। कोको पहले मुआयना कर रहा है जगह का ना। अब जाके थोड़ा सा शांत हुआ है, पानी मिला है इसे सुबह से, अब खाया जाके। तू रुक जा, पहले उसको पीने दे। तूने अभी आके भी पिया था, एक सेकंड रुक जा, उसको पीने नहीं देती है। अब सुबह से बेचारा खाना खाया है अपना और पानी पिया है। और मुझे ना कोको की सबसे ज्यादा चिंता होती है। ये दोनों तो लगी हुई है अपना, कोई वहां से घूमने, कहीं वहां से घुस रही है। ये दोनों बहुत एक्साइटेड है। बट कोको टेक्स टाइम। में भी अभी कोको को ही पता लगा कि पानी यहाँ है। अब पता नहीं, इसको पता तो लगना चाहिए, पी तो रहा है। तो जी ये आ गया है मेरा कॉफी सेक्शन। ये रहा इनका कॉफी एरिया, कॉफी सेक्शन। ये रहा, पूरा निकाल सकते हैं। वेरी नाइस कप, बहुत मजा आ रहा है कप देख के। बेबी अपनी वाली कॉफी निकालो, लेकिन पानी देना ना सिर्फ। इनके कपड़े तो बहुत कम लग रहे हैं, कितने कपड़े में हो जाएगा इनका। हाँ सब लेके आई, हमसे ज्यादा कपड़े इनके लग रहे हैं अब तो मुझे। अच्छा ये लगा ही नहीं हुआ तो ऑन होगा। मैं ढूंढता हूँ प्लग रुको। अरे इन्होंने कितना पानी गिरा दिया यार। यहाँ ये चेरी कर रही, वो देखो चेरी बैठी गई, जरा पीछे देखो अपने। चेरू वहाँ जाके बैठ ना, वहाँ जाके बैठ। चल यहाँ तेरे लिए क्या है, और उसके पीछे भी निगम पार्षद। नहीं नहीं है। मेरी बच्ची बहुत एक्साइटेड है बेबी, पता है कितनी खुश है। और वो देखो कितनी खुश है। जितना वो उसमें हो रही थी ना, मैं डर रही थी कि यार ये प्रॉब्लम में ना आए। एक नई जगह देख के ना डॉग्स थोड़े से वो हो जाते हैं, बट ये दोनों बड़ी एक्साइटेड है जैसे ही रूम में आई है। जी अब बना लूंगी मैं मेरी कॉफी। बेबी जैसे घर पे चम्मच है ना, वैसे ही है चम्मच। कोको अभी तक सारा मोयना कर रहा है। हाँ मैं रखती हूँ, हाँ कोको का गद्दा मैं रख देती हूँ इधर। देखा दरवाजे के पीछे रख दो, या तो वहाँ रखो वार्डरोब के पास। मैं रखती हूँ वहाँ पे ना, वो सही है, उधर कुछ खोलना बंद करना नहीं है। दोनों बाथरूम के बाहर बैठी हुई है। कहाँ गई मम्मा? चेरू मम्मा कहाँ गई? कैंडू मम्मा कहाँ गई? ये देखो कहाँ चढ़ गया ये। कहाँ गई मम्मा? बेबी दोनों दरवाजे पे लाते मार रही थी, पता है? हाँ रोने लगी कि कहाँ चली गई है। कौन मार रहा था ये दोनों? क्यूरी कॉफी कम पीनी है। अरे बेबी तो बहुत एक्साइटेड है। हाँ गिरेगी अभी कहीं ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। ज्यादा एक्साइटेड बच्चे गिरते हैं फिर। कौन रोया है? ये मम्मा ने अच्छी डाल दी। मेरी गोदी में क्यों नहीं आ रही? मेरी गोदी में नहीं आ रही है। कह रही छोड़ मुझे इधर। अरे गिर गई वो, गैप में गिर जाएगी। गोदी में क्यों नहीं आ रही? हाँ गोदी में क्यों नहीं? इधर गिर जाएगी। उसको अंदाजा नहीं समझ में आ रहा ऊंचाई का। रहने दो। कूद नहीं पा रही है, मत कर। अरे 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 तो यहाँ पर रेस्टोरेंट है जहाँ पर कुछ हाई टी सेशन है, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं तीनों को लेकर। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट डॉग्स आर अलाउड। तो हमारे लिए सब बेस्ट चीज़ ये है, ये थोड़ी देर सो भी गया है और अब रेस्ट करके अभी उतरा है। अब थोड़ा सा इनको वॉक भी करा दूंगी और हम लोग जाकर चाय या कॉफ़ी या कुछ भी पी लेंगे और कुछ खा लेंगे। लड़ जाएगा लगता है। एपिसोड। ओह
You want a vlog? Yeah. I can Candy. Candy, come here. हाँ कुछ नहीं करेगी वो, दोनों कुछ भी नहीं करे। अच्छा दोनों एक ही लग रहा है। वो बात करेंगे ज्यादा। अच्छा दोनों सेम है। नहीं चलो 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 चलो। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और बच्चे मेरे इतने खुश हैं कि पूछो मत। इनकी मतलब इनकी तो एक्साइटमेंट का अंदाजा नहीं है। यहाँ वहाँ सब डॉग्स बैठे हैं। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ कि एटलीस्ट मैं इन लोगों के साथ कहीं घूमने आ पा रही हूँ। ये जो डॉग है इसका नाम घोस्ट है। पैर कैसे रखे हैं उसने? आराम से सबकी गोदी में बैठी, सबकी गोद में बैठी। भूल गई हमको ना? आ नहीं रही थी और उनको आवाजें दे रही थी कि अब तुम कुछ खाने को दो, अब तुम कुछ खाने को दो। क्या खा रही है ये? खाना खा के आई है वहाँ से कुछ तो कुछ। यहाँ से एक फोटो खींचना बाबा। अच्छा सब सबकी एक दूसरे से वो पंगे हो रहे हैं। अच्छा वो देखो आ गई हमारी बाजू। अरे घोड़े से दूर हो जाओ, दुलत्ती दे देगा। नो चेरू No. तो जी हम अभी जो यहाँ के इनके इन हाउस डॉग्स हैं उनसे मिलने जा रहे हैं। तीनों को लेके इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उन्होंने दूर से ही देख के भौंकना शुरू कर दिया है। अरे ये कुत्ते थोड़ी है, ये कुत्ते नहीं है, ये शेर है। अच्छा भेड़ भी दिख रहे हैं, शेर और भेड़ दोनों दिख रहे हैं। बेटा बेटा, कितना प्यारा है। कौन है? गोल्डन रिट्रीवर लग रहा है मेरे को। गोल्डन रिट्रीवर है ये, लैब है। जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड। तू तो भेड़ है, तू तो भेड़ है भाई। तुम कौन हो? ऊपर कूद गए सारे। कुत्ते कुत्ते के ऊपर चढ़ा हुआ है, कुत्ते कुत्ते के ऊपर चढ़ा हुआ है, वो मना करे। अरे ये क्या है? ये शेर है, शेर बन के हुआ है। ये पिटबुल है क्या? छोटे तोते नहीं बेटा, टच मत करना, पता ही नहीं। हमारे शेरों के पास जाते हैं। यहाँ पे जितने भी डॉग्स हैं उनके नाम लिखे हैं, देखो लव, सैली, 10 इयर्स ओल्ड, 3 ईयर ओल्ड, जैक, जिंजर, फ्लफी, फिफी। पहला फिफी भी है। आई अटैक ऑन माय ओन क्रू बट आई स्वेयर आई विल बी फ्रेंडली विद यू। वो देखो कहाँ से निकला, वो देखो। अच्छा पीछे भी ये लग रहा है, ये हाउंड है क्या? है हाउंड है कि क्या? खतरनाक है हमारा हाउंड, देख लो ना। वो घोड़े से लड़ रही है, पता है? घोड़े से लड़ रही है, घोड़े को होल दे रही है। यहाँ पे ले आऊँ ना, क्या करेंगे? अरे वो कैंडी को खींच रहा है बच्चा बुरी तरीके से। तो दोस्तों इसे कहते हैं दुलत्ती। चेरी ने उन लोगों की बॉल ले ली। थोड़ा पास में बेइज्जतियां करा रही है चेरी। तुम देख रहे हो बेबी, उनको खेलने ही नहीं दे रही। उनको खेलने ही नहीं दे रही है। तुम भी तो कमाल हो ना, उसकी बॉल ही नहीं लाई तुम, ऐसा कैसे कर सकती हो? वो अपनी होती तब भी उनकी लेती। तुम पता है वो कैसी है? खेलने नहीं देगी उनको, देख सबके पीछे ढूंढ रही है बॉल कि किसके पास है बॉल, सबकी बॉल चेक कर रही है। और अब भी इसको जैसे ही दिखेगी ना, ये देखो वो दूसरा वाला भैया वो उसके पीछे पड़ गया चेरी के। खेलने ही नहीं दे रही बेबी। वो देखो शिट बेबी, देख रहे हो तुम? देख रहे हो उसकी स्पीड? देख रहे हो उधर कैंडी लड़ रही किसी से, देखो। हाय बेबी, मैं कैसे लाऊं इसको? ये लड़की तो मानी नहीं की। उठा के लाना पड़ेगा इसको, ये तो मानेगी नहीं। वो देखो कैसे भाग रही है यार। उसको देखो ना बेबी, उधर मैं देख रही हूँ।
तू उससे क्यों लड़ रही है? चेरी बेचारी बॉल ही ढूंढती जा रही है उधर। संभावना उसकी बॉल लाना भूल गई बेचारी। कैसे गरीब बच्चों की तरह भाग रही है बॉल के पीछे। अरे चेरी ने बॉल ले ली। बेबी ये तो बुरी तरह से इसका दिल की धड़कन। तो संभावना ने उनसे पहले बॉल मांगी है, बॉल के लालच में आई है और अब हमने इसको फंसाया है। डालो डालो जल्दी डालो। बेशरम ना हो तो पकड़ के रखना, इसको हार्ट अटैक आ जाएगा, इसको पता भी नहीं चलेगा। कान 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 कान। अरे यार यूर अ बैड मदर, उसकी बॉल भी नहीं लाई। नहीं बेबी लेकिन उसको नहीं पता लगता, उसको भागना कितना उसको ये भी नहीं मालूम पड़ता। और ये पूडल को क्यों काट रही थी? उसे चेन भी गलत बांधी हुई है। इनको समझ में आ गया हम पहुंच गए, हालत खराब है, बस बोल रहे दरवाजा खोलो पानी मिलाओ। चलो दरवाजा वो देखो चेहरे पे। अरे आते ही इसने पानी पिया दोनों ने। कोको कहां गया? इधर ही, ये पानी भी नहीं पी रहा। पिएगा। चेरी तू इतना क्यों भागी है? बॉल ही तो थी। चेरी इतना कोई भागता है पागलों की तरह? वो 20 लड़कों से लड़ रही है तू अकेले बॉल के लिए। जीप साइड पे लटक गई, उसकी हालत खराब है। संभावना अंदर गई बाथरूम में पता नहीं कहां। जी अभी हमने डिसाइड किया कि अभी इनको खाना, इन्होंने तो खा लिया खाना, अब मैं कोको को खिला रही हूं। और इसके बाद हम लोग जाएंगे पारसी रेस्टोरेंट, इनका पारसी रेस्टोरेंट है ना, है ना, वहां जाएंगे खाएंगे। भूख लगी हुई है नीचे पे, सुबह नहीं खाया था ना ठीक तरह से। ये खा पी के बैठी है, चटकारे ले रही है, बहुत फास्ट है भाई जी। हम लोग निकल गए हैं रूम से डिनर के लिए और बच्चों को खाना वाना खिला दिया है, बच्चों को लिटा दिया है। कोको तो सो गया था, चेरी और कैंडी वेट कर रहे हैं कि इनको दोबारा भी खेलने को मिलेगा। चेरी की हालत टाइट है लेकिन फिर भी कह रही है लंगड़ा लंगड़ा के कि मैं खेलूंगी। और ये नजारा इतना ब्यूटीफुल है कि मैं आपको क्या बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं जन्नत में हूं मैं। और यहां अब हम अक्सर आने वाले हैं क्योंकि ये घर से 2 घंटे की ड्राइव है, तो मतलब 2.5 घंटा लगा लो। हाँ। और बहुत आराम से आए तो 3 घंटा। तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा आएंगे, जब भी हमें कोई शॉर्ट ट्रिप मारना होगा तो हम यहीं आएंगे। और अब हम लोग ऐसे ऐसे होटल्स बहुत ढूंढेंगे जो कि पेट फ्रेंडली हो, ताकि हम लोग अपने बच्चों को ला सके। हम लोग वरना बहुत मिस करते हैं, मैं तो बहुत ज्यादा, मेरा दिमाग खराब रहता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं घर पे, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस चक्कर में ना मैं बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाती जब मैं बाहर जाती हूँ। तो अब अगर मुझे मिल जाता है वो रास्ता जहाँ पर मैं बच्चों को लेके जा सकूँ, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट एंड बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। आज मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे साथ में ही है। कुछ कहना है? मुझे लग रही है बहुत तेज भूख और हम जा रहे हैं पारसी रेस्टोरेंट और मुझे बहुत सारा खाना खाना है पारसी स्टाइल। फाउंटेन ओपन छत के नीचे, मतलब ओपन आसमान के नीचे। हाँ जी, यहाँ पे भी कुछ लिख के जाएंगे बिफोर आई डाई, देखो लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ ठीक है मैं भी लिख लूंगी बिफोर आई डाई। देखो बिफोर आई डाई लोगों ने लिखा है, सी द वर्ल्ड, आई एम गॉड, आई विल नॉट डाई, लिव माय लाइफ अलोन, आई डोंट वांट टू डाई। सबने अलग अलग लिखा हुआ है अपना। तुम क्या लिखोगी बेबी यहाँ पे? सीधा लिखोगी? हाँ मैं सीधा लिखूंगी, बताना थोड़ी होता है, लिख के दिखाऊंगी। तो जी मैं रूम में वापस आ गई हूँ और मैंने चेंज वेंज कर लिया है। मेरी हालत इतनी खराब है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अविनाश वहीं पर रुक गया क्योंकि अविनाश कह रहा था मैं थोड़ी देर और म्यूजिक सुनना चाह रहा हूँ। सो ही स्टेड बैक और मैं रूम में आ गई हूँ क्योंकि मुझे बच्चों के पास आना जरूरी था। ये रहे मेरे बच्चे, एक बच्चा पीछे घूम रहा है और ये मिला चैलू बेबी, वो थक गया। तो अब थोड़ा सा टाइम मैं इनके साथ स्पेंड करूंगी और आपको अब मिलेंगे हम लोग कल मॉर्निंग में, जो कि मेन इवेंट वाला दिन है। अब देखते हैं कल डॉग इवेंट में क्या क्या चीजें होती है। नहीं नहीं, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और मैं इतनी खुश हूँ कि मैं मेरे बच्चों को यहाँ पे लेके आई हूँ और मैं मेरे बच्चों के साथ, आई एम रियली एंजॉयिंग दिस टाइम। तो अब आपको मिलती हूँ मैं कल टुमारो, तब तक के लिए गुड नाइट।